अभी शादी हो गई ना, शादी हो गई, दूल्हा है और जो व्हाइट वाली ड्रेस में है ये हैं दुल्हन और सब लोग इनसे मिल रहे हैं। मैरिज हो चुकी है और ऐसा लाइन लगा के सब सार जेली या देयर इज नो केक आई गेस देयर विल बी जेली नट्स तंदूरी है ना। Yes. Yes. Yes, 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 sir. Thank you for joining us. Okay, thank you. स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। आज मैं निकल रहा हूँ कोहिमा से जखामा विलेज के लिए। आगे में पड़ता है लगभग यहाँ से 15 किलोमीटर है कोहिमा से, तो कोई ज़्यादा देर लगेगी नहीं भाई। एक लिफ्ट मिलेगा सीधा पहुँच जाऊँगा, आधे घंटे का रास्ता है। और पीछे साइड में आप देख सकते हो ये है वार सेमेट्री और अभी हम चल रहे हैं कोहिमा सिटी के अंदर में। अभी हम पहुंच चुके हैं जखामा विलेज में। एक हमें डायरेक्ट लिफ्ट मिल गई, सीधा जखामा विलेज ही पहुंच गई। ये ऊपर वाला जो हाईवे आप देख रहे हो ये सीधा मणिपुर जाता है, पीछे से तो हम आए ही हैं। और ये है जखामा विलेज का गेट। टाउन भी है जखामा विलेज, मतलब जखामा का टाउन भी है, वो रोड पर ही पड़ता है, दोनों साइड में घर होते हैं, थोड़ा छोटा टाउन है। और हमें तो टाउन नहीं, हमें विलेज घूमना है ना, तो हम विलेज के अंदर में चलते हैं। विलेज भी कितना दूर है? विलेज 1 किलोमीटर। ओह आप लोग कहाँ से आ रहा है? खेत से? ओह अच्छा अच्छा, देख रहे हो सब लोग खेत से आ रहे हैं। हमें विलेज जाना है, इसी रास्ते से चलना पड़ेगा थोड़ा और अंदर में, 1 किलोमीटर बोली है। ये रिवाइवल चर्च किस साइड में होगा? इधर से जाओ। नीचे में है। नीचे में तो हमें ऊपर से जाना पड़ेगा। इधर जाओ, नीचे चले जाओ, एक रास्ता। ओके ओके ठीक है, थैंक यू। तो भाई हम रिवाइवल चर्च जा रहे हैं, वहाँ पे अभी शादी चल रही है, तो उसी को एक्सप्लोर करने चलते हैं। दिखाते हैं आपको ना यहाँ की शादी कैसे होती है। अभी अभी हमें पता चला, रास्ते में एक भैया मिले, बोले कि शादी की तैयारी कर रहे हैं हम। तो बोले कब शादी है? बोले कल है, पर एक आज भी चल रहा है, तो नीचे में है, चलते हैं। आ गया भाई रिवाइवल चर्च के पास और सामने आप देख सकते हो ना, यहाँ पर पूरा शादी हो रहा है, मैरिज चल रहा है। नागालैंड का मैरिज है ये, आपको दिखाते हैं किससे होता है। काफ़ी भीड़ भी है यहाँ पे, देख रहे हो ना। थोड़ा ऊपर से आपको व्यू दिखाता हूँ ना मैं। ये अभी यहाँ पे गाना नहीं बज रहा तो अच्छा है, नहीं तो इसे कॉपीराइट आ जाता है। ये पूरा मैरिज यहाँ पे, और अभी अंदर और चलते हैं, पूरा एक्सप्लोर करते हैं। लगेज हमने यहाँ पर रख दिया है और भैया से परमिशन ले लिया है। भैया ने बोला ठीक है, आप पूरा देख सकते हो, क्योंकि एक बार परमिशन लेना बनता है। ऐसे भाई कहीं पे शादी में घुस जाना अच्छा नहीं होता है ना, पूछ लिए अच्छा था। और यहाँ पे आपको हम दिखाते हैं सब लोग बैठे हुए और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे ऐसा खाने पीने में ये सब लेते हैं, यूज करते हैं, वो हम आपको दिखाते हैं ना। इधर साइड से मैं स्टार्ट करता हूँ। बॉटल हो गया इधर, ऑरेंज क्या चीज़ है ये? What is this? It's sour fruit. Fruit. Okay. अच्छा, और ये तो भाई मैं जानता हूँ, ये ऑरेंज। और यहाँ पे ये लोग खाने में यूज कर रहे हैं जलेबी। जलेबी काफ़ी फेमस है। अच्छा है ना। और चीज़ें देखा। और भाई साहब गोलगप्पा भी है यहाँ पे, पानी के बतासे। यूट्यूबर है? यस सर। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। ओके थैंक यू। तो कुछ ऐसा ही भेलपूरी, दही पूरी, पानी पूरी का। अच्छा वो मटर है पानी पूरी का। ओके ठीक है खिलाइए। अच्छा ये पानी है। दो प्रकार के ना। ओके ये तो शायद खट्टा वाला है और एक इमली। ओके आप कहाँ से भैया? गुवाहाटी आसाम से। ओह ठीक है अच्छा है। हाँ भैया यूट्यूबर, ऐसे विलेज एक्सप्लोर कर रहा था तो दिख गया, हमने कहा इससे करते हैं ना। यूपी से। चलिए भाई यहाँ का पानी पूरी ट्राई करते हैं, देखते हैं यहाँ का टेस्ट कैसा है कुछ। वाह बढ़िया है भाई साहब, बहुत स्पाइसी बनाए हो, एक नंबर का। ओके बस थैंक यू। हो जाएगा दो से हो जाएगा ना। हाँ ये है मैरिज हॉल, यहीं पे शादी होना है अभी शायद। भैया मैं आपसे थोड़ा बात करते हैं ना, पता चल जाएगा।
अभी या शादी हो गई या अभी होने वाली है? हो गई, हो गई शादी, हो गई। अच्छा अच्छा, ठीक है, थैंक यू। तो भाई अभी शादी जो है हो चुकी है, हम थोड़ा लेट कर दिए, नहीं तो वो भी देखने को मिल जाता। अभी बाहर में सब लोग नाश्ता खाना पीना यही सब चल रहा है। शायद आप भैया देख रहे हो, भैया दूल्हा हैं और जो वाइट वाली ड्रेस में हैं ये हैं दुल्हन, और सब लोग इनसे मिल रहे हैं। मैरिज हो चुकी है और ऐसा लाइन लगा के सब लोग यहाँ पे आ रहे हैं और एक एक करके सब लोग मिल रहे हैं। इनके पूरे फैमिली यहाँ पे खड़ी हुई है, शायद वो हैं पिताजी और ये मम्मी, ऐसा कुछ होगा, और दूल्हा दुल्हन भाई, कुछ ऐसा सीन है यहाँ पे। मैम, योर फैमिली मेम्बर यहाँ पे ऐसा बाहरी, हिंदी समझते हैं आप लोग? अच्छा, वाइट ड्रेस में जो है वो दुल्हन है, वाइफ। ओके ओके, अच्छा अच्छा। आप लोग का ये ड्रेस एक जैसा क्यों, ऐसा कुछ फैमिली मेंबर्स या ऐसे फ्रेंड्स है? अच्छा, फ्रेंड्स। ओके ओके, आप लोगों का एक जैसा ड्रेस है ना, अच्छा लग रहा है। ओके, अभी शादी हो गई ना? शादी हो गई, मैरिज कंप्लीट? हाँ, नहीं नहीं जानता। हो चल, आपको थोड़ा नज़दीक से भाई मैं दिखाता हूँ, ऐसा देख रहे हो ना, तो सब लोग यहाँ पे मीट कर रहे हैं। सब लोग हाथ क्यों मिला, ऐसा मतलब ज़रूरी है क्या? सब लोग जितने लोग आ रहे हैं सब लोग हाथ मिला मिला के जा रहे हैं। तो भाई शादी तो कंप्लीट हो गई, तो अब थोड़ा खा पी लेते हैं ना, खाने के लिए भैया बोल दिए ना ऐसा कुछ। ओके, यहाँ से हम ले सकते हैं ना जलेबी। ओह, जलेबी पहले ट्राई करते हैं ना, और अभी बहुत सारी चीज़ें हैं ट्राई करने के लिए, पहले जलेबी खाते हैं, एक एक चीज़ खाएंगे ना धीरे धीरे आराम से। लगभग सेम टेस्ट है जैसे अपने यहाँ जलेबी होता, वैसे ही मीठा भी है। बनाने वाले सब आसाम के हैं यहाँ पे, तो टेस्ट तो वही रहेगा ना। One please. Yes, you can have any. Okay. क्या, what is this? This is cake. Jelly. Yeah, there is no cake. I guess there will be jelly, nuts, cherry, and then. Okay. 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 Try. Try. Okay. Thank you. तो भाई इसको भी एक try करते हैं ना, कुछ cake है, और आपको मैं थोड़ा दिखाता हूँ ना, पास से cake है and cherry वगैरह है, मतलब कि पूरा mix है, हाथ में पता चल जाएगा। अब ना मेरा कैमरा सेट हो गया, मैं ट्राई करूँगा ये। भाई साहब क्या टेस्ट है इसके, एकदम लाजवाब। इसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स हैं भाई, पूरा मतलब पूरा बादाम वगैरह। यहाँ पे लगा हुआ है खाना, तीन लाइन में ऐसे लगाए हुए हैं, ऐसे खुद लेकर खुद खाना है। और यहाँ पे अच्छी बात ये है कि वेज एंड नॉन वेज दोनों आपको मिलेगा यहाँ पे, तो हमारे लिए भी अच्छा हो गया ना, हम तो वेज भी खाते, मतलब नॉन वेज भी खाते, पर यहाँ नॉन वेज में पोर्क वगैरह मिलता, वो नहीं खाता ना मैं। चिकन खाता हूँ, मटन खाता हूँ, और फिश खाता हूँ ना। आपको एक बार दिखाता हूँ ना क्या क्या चीज़ें हैं, ये देख सकते हो ना, राइस एंड दाल एंड ये शायद पोर्क है, और मिर्च, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये आलू फ्राई ऐसा, और उस साइड में भी चलते ना, इधर में पापड़ है। ओ अच्छा है ना, और यहीं पे अच्छा सेम चीज़ें लगी हैं, बस सिर्फ तीन लाइन में डिवाइड कर दिए हैं, मतलब वही चीज़ सेम चीज़ यहाँ पे काफ़ी लोग हैं ना, इसलिए अलग अलग कर दिए। अच्छा ओके, सेम चीज़ें हैं, तो पोर्क मिल जाएगा आपको यहाँ पे, ऐसा पूछना पड़ेगा, कोई है भी नहीं। ये मुझे सिर्फ ये वाला नहीं समझ में आया क्या चीज़ है, तो ये वाला दो चीज़ें नहीं समझ में आई, बाकी ये मिर्च का चटनी है भी कुछ ऐसा, शिमला मिर्च टाइप का वैसा वाला चटनी है, और इसमें इन्होंने सब कुछ मिक्स करके रखा है। तो ठीक है, मैं भी खाऊंगा, पर वेज खाऊंगा, ऐसे चिकन तो शायद हमें नहीं है, तो मैं राइस एंड दाल लेकर खाऊंगा। तो ये ना देखो सब लोग खा रहे, कितने लोग हैं ना यहाँ पे, सब लोग बैठे हुए हैं, ऐसे पहाड़ों के व्यू के साथ भाई ऐसी मैरिज, कितना आनंद आता होगा ना। भैया ये क्या है? पोर्क है ना? ओके ओके, और ये वाला ये भी पोर्क है, और ये बीफ है ये ना, मतलब ये तीन चीज़। ओके, पता चल गया ना भाई, ये भी पोर्क है, ये भी पोर्क है, बस थोड़ा दूसरे टाइप का बनाए हैं, और ये बीफ है। तो ये तीन चीज़ें जो है मुझे नहीं खाना है, मैंने कहा एक बार फिर से पूछ लेता हूँ, नहीं ऐसा हो
कुछ खा जाऊँ चिकन समझ के तो अब सही रहेगा ना, बस सब दाल चावल उठाएंगे और खा लेंगे। मेरे साथ तो थोड़ा से क्या बोल सकते हैं, धोखा हो गया ना ऐसा। ये पहले आप खाना देख लो मैंने क्या लाया है, राइस एंड दाल और ये सब्जी हो गया, पापड़ हो गया। और मुझे पता ही नहीं था, अभी हमने एक लोग से पूछा तो पता चला कि वेज का जो है वो ऊपर में कहीं अलग और लगाया गया, यहाँ पे नॉन वेज वालों के लिए है। तो हम तो ले लिए थे, हमने कहा ठीक है अब यही खाएंगे, और ऊपर में वेज का भी है। अभी चल के आपको दिखाते हैं कि वहाँ पे वेज में और क्या क्या चीज़ें हैं। तो हम जो है गलती से नीचे भाई नॉन वेज वाले में चले गए थे, यहाँ पे लगा है पूरा वेज खाना। आप देख सकते हैं ना, ये है तंदूरी, राइट, तंदूरी है ना। ओके और इधर में ये है पनीर की सब्जी एंड दाल मिर्ची, ये है पूरा इधर वेज खाना। तो अभी तो हमने गए थे नॉन वेज में, खा लिया था दाल चावल। हम नॉन वेज वाले में चले गए थे ना नीचे में, उधर दाल और राइस, हाँ इधर में वेज है ना। अभी ये कितने बजे तक रहेगा लगभग? अभी एक घंटा ऐसे, एक घंटा ऐसा रहेगा ना। अच्छा अच्छा ठीक है, एक घंटे तक रहेगा। तो अभी देखते हैं जाते जाते, अभी तो भाई फिलहाल खाना खा लिए थे तो पेट भर गया मेरा। यहाँ पे वो चीज़ नहीं है जो भाई अरुणाचल प्रदेश में था। अरुणाचल प्रदेश की आपने अगर हमारा वीडियो नहीं देखा तो देखो भाई, अरुणाचल प्रदेश की शादी उसमें जानते हो क्या था, वहाँ पे मतलब कि खाना के साथ में दारू भी था। मतलब दारू में हर प्रकार के, बियर से लेकर इंग्लिश से लेकर, देसी नहीं था संतरा, बस बाकी सब था। पर यहाँ पे वो नहीं है, हम वही थोड़ी देर से ढूंढ रहे थे कि देखें यहाँ पे है कि नहीं है, पर यहाँ पे ऐसा कल्चर नहीं है। और अरुणाचल प्रदेश का वैसा कल्चर था कि वहाँ पे खाने के साथ साथ दारू सब पी रहे थे। हमें भी एक बियर दे दिए थे पीने के लिए, आप वीडियो देखोगे आपको पता चल जाएगा। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ खाना खाना ही है। ये जो भाई वहाँ पे रखा था ना ऑरेंज के बगल में, इसको हम लाए थोड़ा ट्राई करते हैं ना कैसा है ये। भाई साहब कितना खट्टा है भाई, एकदम कड़वा रहा है। मैं तो समझा भाई मीठा होगा, बहुत तेज, मेरी बस की बात नहीं है, ये जा रहा है डस्टबिन में। भाई साहब इतना कड़वा। इसमें मिल्क टी भी है क्या? मिल्क टी नहीं, नहीं हमें मिल्क टी चाहिए, इसमें है क्या? मिल्क टी नहीं है, ग्रीन टी है। ग्रीन टी है ना, भाई हमें तो मिल्क टी पीना था। भाई मिल्क टी नहीं है, काफ़ी देर से मैं ट्राई कर रहा था, कोई आए तो सोचूं, मैं कोई आए तो पूछूं कि यहाँ पे मिल्क टी है नहीं, पर भाई ग्रीन टी एंड रेड टी या ब्लैक टी। अभी यहाँ का शादी जो है ख़त्म हो गया, लगभग 4 बज रहे हैं। और यहाँ का शादी भाई बहुत ज़्यादा सिंपल होता है, एकदम सिंपल भाई, ना तो कोई गाना, ना तो डांस, ना बजाना, कुछ भी नहीं, एकदम सिंपल। बता रहे हैं 12 बजे स्टार्ट हुआ शादी दिन में और 4 बजे ख़त्म हो गया, कुछ नहीं होता, बस सिर्फ दूल्हा दुल्हन आए, एक दूसरे को माला पहनाए बस। कभी कभी यहाँ पे चर्च में एक होते ना, या क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, अपने यहाँ जैसे पंडित होते, वो कुछ बोलते हैं, माला पहनाएंगे, शादी हो गई, उसके बाद लोग मिलते हैं आपस में और शादी जो है ख़त्म, लोग खाना खाएंगे फिर वापस अपने अपने घर चले जाएंगे, जैसे जाने लगे हैं। हमें तो ये नहीं समझ में आता भाई, ना तो कोई डांस करेंगे, ना तो कोई इन्जॉयमेंट करेंगे। अरुणाचल प्रदेश में तब भी थोड़ा लोग गाना गा रहे थे, मतलब अपने वॉइस में गाना गा रहे थे और कुछ बज भी रहा था, पर ये सब डांस वांस नहीं करते, ना ही कोई प्रोग्राम कराते हैं ऐसे जैसे यूपी बिहार में होता भाई, लड़कियों को बुला के डांस कराना, ये सब ऐसा कुछ भी नहीं, आपस में भी डांस नहीं करते। तो ये था नागालैंड की शादी, और चढ़ के आ रहे हैं ना भाई, सांस फूल रही, और अब शाम हो गई है, तो इसी विलेज में आज हम रुकेंगे, चलते हैं कहीं टेंट लगाने का जुगाड़ देखते हैं, किसी से बातचीत करते हैं। ग्राउंड आगे में, ग्राउंड आगे में ना। ओके तो भाई एक ग्राउंड का हमें पता लगा है जहाँ पे हम टेंट लगा सकते हैं, तो उधर साइड में ही जा रहे हैं। हमें सोना है ना ग्राउंड में, टेंट लगाएगा कहाँ में? कहाँ लगाए आप बताइए, आपके गांव में आए हैं, टेंट कहाँ लगाए, सोएगा रात में? आपका खुशी है।
कुछ अच्छा जगह बताइए, जहाँ आप बताइए वहाँ सो जाएगा ना, रात में रुकेगा। आपका गांव घूमने आया था हम। हिंदी से मोसाब। सोना है, सोना है, सोने के लिए जगह, टेंट है हमारे पास, हमें थोड़ा जगह बताइए। खाना नहीं खाता है? खाना, खाना अभी खाएगा ना आपके पास? कहीं खाएगा ना, पहले तो सोने का तो बताइए, जहाँ सोएगा वहीं खाना खाएगा, आपसे खरीदेगा ना, खाना बेचता है कि कहाँ से आया है आप? हम यूपी से। यूपी से। ये है ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड, और शायद आज यहीं पर रात में कैंप लगाएंगे इस पहाड़ों के बीच में। और भैया ने हमें यहाँ पे लाया है ना, और सब लोग अभी तो सब फुटबॉल खेल रहे हैं, बाकी जैसे ये सब लोग जाते हैं फिर लगाएंगे टेंट। और ऊपर में ये पूरा विलेज एरिया है।